भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। श्री रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। राणा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय पार्टी अध्यक्ष और निशाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार श्री रविंद्र रैना जी और उनके साथ आए हुए सरपंच अनिल जी, मंडल प्रधान एक बार हाथ खड़ा करके से नारा लगाएंगे भारत माता की जय। साथियों, जब 2014 में
मैं पहली बार यहां से एमएलए जीत के आया, आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत वोट मुझे इस सारे खिसका घोड़ा चाहिए। मेरे साथियों, आज जब मैं यहाँ खिसका में आया हूँ, एक शानदार पुल खिसका और सियोर के बीच में बनकर तैयार है और मैं इसी पुल से आया हूँ। इस पुल का जो नींव पत्थर था 1982 में रखा गया था, काशी वासी, जब मेरी उम्र 3 साल 4 साल, तब यहाँ इस पुल का नींव पत्थर रखा, लेकिन पुल कंप्लीट कब हुआ? पुल कंप्लीट कब हुआ? जब 2014 में आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कामयाब किया, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाके खिसका और सियोर के बीच में ये पुल। ये सड़क जो खिसका से बाजा बनी गई है, लगभग 5 करोड़ की लागत इस पर हमने मंजूर कराई। यहां से एक रोड निकल के घोड़ा की ओर जाती है, उसका काम हमने किया। यहाँ बिजली की बड़ी प्रॉब्लम होती, बिजली के ट्रांसफार्मर इस एरिए में हमने लगाए। यहाँ पानी का एक प्रोजेक्ट आगे चल के नीचे जो वहाँ उस बड़े प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट कराया और यहाँ के लोगों को हर फैसिलिटी मिले, इसके लिए मैंने हमेशा कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की देन। साथियों, इतना ही नहीं, मोदी साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए, लाजवाब काम। आज हर इंसान की जेब में एक गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख रुपए का इलाज। अभी मैं कांगड़ी गया था, वहां एक मेंबर पंचायत लाडो देवी जी होती थी, उनका स्वर्गवास हो गया। हम वहां अफसोस करने गए, जो उनके पति हैं दिलीप कुमार जी, वो बता रहे थे कि उनकी मदर की किडनी में प्रॉब्लम थी और लगातार इलाज जो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, सारा का सारा खर्चा इलाज का मोदी जी के गोल्डन कार्ड से हो। जिनका दावा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उन्होंने सबका भाग सबकी खिदमत ईमानदारी से अगर किसी ने की है, उस इंसान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। आज यहाँ गरीबों का भला, आम लोगों का भला हो रहा है, वही गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं। और तीसरी बात, जम्मू कश्मीर में जो अमन शांति और क्या कहते हैं एनसी वाले, रिपोर्ट होनी चाहिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान कि अगर उनकी सरकार आई तो जेल के अंदर जो बंद है उनको शरेआम खुला छोड़ दिया जाए। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, भाई जेल के अंदर कौन बंद है? जिन्होंने बॉर्डर के उस पार से जो बंदूकें लेके आए, जिन्होंने यहाँ आर्मी के कैंपिंग पर पुलिस पर हमला किया, जिन्होंने बेगुनाह लोगों के कत्ल कराए, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं अगर उनकी सरकार आई तो उन सबको वो जेलों से बाहर निकाल देंगे। आज ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं आप समझ रहे हैं ना? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि यहाँ के हालात, वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई सुखी रहे। इतना ही नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमारे आर्मी के जवान, बीएसएफ पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवानों को भी खा लिया।
बहुत गालियां निकाली है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जो आर्मी के जवान सीने पर गोली खाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन जवानों के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत गलत बयानबाजी की। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसी पार्टी एनसी को वोट देना चाहिए? ये तो देश के साथ घटना है। बिहार के एनसी को हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ देश का तिरंगा झंडा शान से लहराता है और दुनिया झंडे को शान से सलाम पेश करती है। का भला देश में काल में जम्मू कश्मीर में अमन शांति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि खेल के अंदर जो फल है, ये डबल पॉलिसी नहीं चलेगी, ये डबल ये साक्ष्य नहीं चलेगी। मैं आप सबसे, अपने भाई बहनों से ये निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, आज 16 तारीख 8:30 बजे इन 8 दिनों में आपने इस गांव के रिक्शा, घोड़ा, हवाई, ये जितना आस पड़ोस का एरिया है हर घर में आप पहुंचा। देखो, मैं हर घर में नहीं जा सकता,